सो व्हाट्स अप गाइस, और कैसे हो आप। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आऊँगा, सो वो अनबॉक्सिंग की वीडियो आ जाए। सो हम आज कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M31 की अनबॉक्सिंग। शायद आपको यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसमें आपको बता देता हूँ ये M है, ये 3 है और ये 1 है। ये बन गया हमारा M31। सो हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, सो चलते हैं। सो ये रहा हमारा सैमसंग गैलेक्सी M31। देख लो भाई, डिब्बा इसका ऐसा है वाइट कलर का। थोड़े जो ऊपर लिखा होता है M, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, चलो कोई बात नहीं उसका। तो यहाँ पर आप वेरियंट देख लो भाई, ये है हमारा 6 GB रैम, 128 GB वाला वेरियंट है, और ये ब्लू कलर का। बाकी जब मैं फ़ोन निकालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। सब इसको करते हैं अनबॉक्स, और ये सबसे पहले हमें ऊपर मोबाइल दिखने को मिलता है। सो अभी हम मोबाइल को निकाल लेते हैं। निकला भाई, निकला। सो यहाँ पर मोबाइल हमारा निकला है, देख लो ब्लू कलर का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा मोबाइल है। ये बिल है इसका, और अब हम निकालते हैं इसका ये कवर सा जो लगा हुआ है इस पर, इसको उतार देते हैं। और ये यहाँ पर देख सकते हो कि यह हमारा सैमसंग गैलेक्सी M31 काफ़ी अच्छा मोबाइल है यार, हल्का है। और पीछे की बॉडी डिज़ाइन देखोगे तो अच्छा है काफ़ी, लेकिन बाकी फ़ोन जितना अच्छा नहीं है। इसमें हमें गुरिल्ला ग्लास नहीं दिखता, इसमें हमें प्लास्टिक बॉडी दिखती है पीछे। सो मतलब ठीक है, जितना प्राइस है उसके हिसाब से तो ठीक है। सो अभी हम इसे ऑन करके छोड़ देते हैं, पहले स्विच ऑफ था, अब इसको ऑन करके रख देते हैं साइड पर। सो यहाँ पर ऑन तो हो गया, अभी साइड पर रख देते हैं। सो अभी हम बाकी का देखते हैं अंदर क्या था। बाकी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है लीड मिलती है, और साथ में चार्जर है, और ये है अमेज़ोन का बिल जहाँ से ऑर्डर किया था वो बिल है। और अब यहाँ पर हम निकालते हैं इसका चार्जर। जो इसका चार्जर है भाई, वो 15 वोल्ट का चार्जर है, कुछ ज़्यादा फास्ट भी नहीं है। और जो हमें इस फ़ोन में बैटरी देखने को मिलती है, वो 6000 mAh की बैटरी है। अब मतलब 6000 mAh की बैटरी और ऊपर से सिर्फ 15 वोल्ट का चार्जर, यार थोड़ा सा फास्ट तो देना चाहिए था, काफ़ी टाइम लग जाएगा चार्ज करते करते इससे तो। और इसके साथ हमें मिलती है एक टाइप सी केबल, जो कि आजकल सभी फ़ोन्स के साथ मिलने लग गई है, पहले नहीं थी अभी आने लग गई है। सभी ऐसे भी निकालते हैं। निकला भाई, ज़िद्दी बहुत है यार ये। सो यहाँ पर निकला ही हमारी लीड। सो अभी इसे भी निकालते हैं, देखते हैं इसकी लेंथ वगैरह कितनी है। सो ये हमारे निकाल लिया है। सो लेंथ तो ठीक ठाक लग रही है, जैसी नॉर्मल होती है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये टाइप सी केबल है। सो अभी रख देते हैं इसको साइड में, और बाकी चीज़ें देखते हैं। बाकी तो यार इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, ना हेडफोन दिए हैं, ना केस दिया जो कवर होता है, कुछ भी नहीं दिया यार, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। सो अभी हम चलते हैं मोबाइल के अंदर। सो अब मैंने मोबाइल तो सेटअप कर लिया है, काफ़ी अच्छा मोबाइल लगा मुझे। बाकी सब कुछ का फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक काफ़ी सही लगा, लेकिन लिटिल बिट मुझे स्लो लगा, थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर सा। जो मैंने पिछली अनबॉक्सिंग की थी रेडमी नोट 8 प्रो, वो उससे थोड़ा सा फास्ट मुझे लगा। बाकी यार सब कुछ ठीक है। बाकी अभी फ़ोन स्टार्टिंग, ये भी एक प्रॉब्लम रही है। मैंने देखी यार काफ़ी मोबाइल्स में, मतलब बड़े से बड़े में भी इतना टाइम लगता है। नहीं तो यार बड़े फ़ोन्स में, जैसे मैंने पिछली अनबॉक्सिंग की थी उसमें ऐसा नहीं था, मतलब जैसे ही रिबूट हुआ तभी मतलब सारे आइकन से सब कुछ आ गया। नहीं तो इसमें फ़ोन स्टार्टिंग ऐसा कुछ लिखा आता है, बाकी मुझे नहीं पता, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे मोबाइल की। सभी हम बेसिकली इसके फंक्शंस देखते हैं, और जैसा कि आपको आजकल सभी मोबाइल्स में दिखता ही है एक चीज़, गूगल असिस्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि गूगल असिस्टेंट आजकल सभी मोबाइल में कॉमन हो गई है, इसमें भी है। सो ये गूगल असिस्टेंट होगी। बाकी आपको इसके मैं कैमरा वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पर कैमरा देख सकते हो, इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, और सेल्फी कैमरा इसका 32 मेगापिक्सल का, काफ़ी अच्छा कैमरास दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। बाकी ये मोर में आपको देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट मोड वगैरह सब कुछ, स्लो मोशन भी है इसमें। सर काफ़ी अच्छा फीचर और काफ़ी अच्छा कैमरा में दिया गया है, 64 मेगापिक्सल का काफ़ी अच्छा कैमरा, जो कि आजकल काफ़ी फ़ोन्स में आना लग गया है 64 मेगापिक्सल का कैमरा।
सो अभी मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ इसकी बाकी सेटिंग्स वगैरह। सो यहाँ पर सेटिंग में हम आ गए हैं, आउट फोन में आपको दिखा देता हूँ सब कुछ इसका। लीगल इंफॉर्मेशन आ गई है तो भाई बैटरी इंफॉर्मेशन आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी, जो कि यार एक मॉन्स्टर बैटरी आपको दी जाती है इस फ़ोन में। काफ़ी बड़ी बैटरी है, आराम से 1.5 दिन का आपको बैकअप मिल जाएगा। सभी हम पबजी चलाते हैं इसके अंदर, पबजी गेम प्ले सभी अभी मैंने डाउनलोड की थी, सो मैंने सोचा कि यार दिखा देते हैं पबजी गेम प्ले भी आपको। सभी लाओ 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 कर देते हैं सारा कुछ। सो बाकी यार अभी आगे मैं नहीं कुछ बड़बड़ करने वाला, आगे आप खुद ही इंजॉय करो। बाकी यार मिलेंगे आपको वीडियो के एंड में।
सो गेम प्ले यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। गेम प्ले की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक है, कुछ लैग हमें देखने को मिले लेकिन ज़्यादा नहीं थे। सो अगर हम यहाँ पर बात करें इसके प्राइस की, तो यार इसका प्राइस है, बताऊँ है ना, बता देता हूँ, 17,500 इसका प्राइस है, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस है। जैसे इसमें फीचर्स आते हैं, काफ़ी अच्छा प्राइस है। बाकी यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे यार आपको अगले GTA 5 के ही डालूँगा अगला उसके पार्ट में। सो फिर यार टाटा बाय बाय।